हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है बिहार के सबसे हाईएस्ट पीक सोमेश्वर धाम के ब्लॉग में, जो कि वेस्ट चंपारण में है और गोवर्धना विलेज से शुरू होता है। ये मेला हर साल नवरात्र के टाइम पे लगता है। पहाड़ के ऊपर माँ काली का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु जाते हैं। वहाँ पहाड़ चढ़ के तीन पहाड़, अगर आप बाइक या कार से आ रहे हैं तो नीचे स्टैंड बना हुआ रहता है, आप वहाँ पे उसको लगा सकते हैं। लाइक आपसे वो चार्ज करेंगे, जो भी उनके हिसाब से सही रहता है, 30-40। और यहाँ से सोमेश्वर धाम शुरू होता है। हम लोग जो पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं वो धूप के ही टाइम पे था, अराउंड 12 बजे, तो इसलिए हम लोग सोचे सत्तू पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ से आप अपने ज़रूरी सामान ले सकते हैं, लाइक पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से बाय कर लीजिए, उसके बाद फिर जाइए पहाड़। तो ये यहाँ पे छोटा सा मेला उला लगा है, और यहाँ से सोमेश्वर का जो मेन ट्रैक है, ट्रैक या पहाड़, वो शुरू होने वाला है। ये जंगल है, जंगल के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री पास बनवाना पड़ेगा, जो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से जंगल शुरू होता है। इधर जाने के लिए आपको पास की ज़रूरत है, लाइक आपको रजिस्टर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, वाल्मीकि नगर जो फॉरेस्ट है ना, उससे ये कनेक्टेड है। इधर इसमें बाघ रहते हैं। ये मेरे गांव के बहुत पास ही है सोमेश्वर धाम, लेकिन मैं पहला बार जा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। लाइक ये पहाड़ों के ऊपर लगता है मेला, और पहाड़ों से तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो रहा है आजकल, तो आप देख सकते हैं साफ खुशी झलक रही है चेहरे पे। जो रास्ता है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला तो जंगल, जो अभी हम लोग पार कर रहे हैं, उसके बाद फिर आता है नदी, फिर हम नदी पार करेंगे, और फिर उसके बाद शुरू होता है पहाड़ की चढ़ाई। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, लाइक यहीं 7 किलोमीटर का राउंड है। ये जंगल पार करने में ही हालत ख़राब हो गया था, बार बार यही नदी हम लोग को मिल रहा है, 3 बार मिल चुका है, ये 6-7 बार और मिलेगा। तो ये जो जगह है, यहाँ पे अभी भंडारा चल रहा है, लाइक यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो लोग आपको फ्री में खाना खिलाएंगे अगर आप इधर आइएगा घूमने, तो ये मतलब उनका एक तरीका होता है आपका वेलकम करने का। तो यहाँ पे जो भी पहाड़ चढ़ रहे हैं या फिर पहाड़ से आ रहे हैं वापस, उनको भूख लगी हुई है, तो वो यहाँ पे खाना खा सकते हैं आराम से। और इस कैंप के बाद से शुरू होता है नदियों का रास्ता, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब सोमेश्वर धाम की सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो बेसिकली हम लोग जो नदी के रास्ते ही जा रहे हैं, एक नदी है जिसके दोनों साइड पहाड़ हैं बड़े बड़े, और हम अभी नदी के रास्ते जा रहे हैं पहाड़ के साइड। तो जब आप ऐसी जगह पे जाओगे तो आप बहुत कुछ सीखते हो, लाइक जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत अलग होता है, आपको सुकून मिलेगा, आपका थिंकिंग बदलेगा, लाइक इट टोटली चेंज यू समटाइम, सो गो ऑन ब्रो। तो अराउंड हम लोग 2-2.5 किलोमीटर आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। ये तो बस अभी जंगल है, जंगल से बाहर निकलेंगे तो सीधा चढ़ाई।
ये पत्थर का नाव है। ऐसा लोगों का मानना है कि ये बहुत पहले नाव हुआ करता था जो पूरी तरह पत्थर का है। मेरे को नहीं पता कि बिहार टूरिज्म इस जगह को हाईलाइट क्यों नहीं करता अच्छे से। लाइक ये हिडन जेम है, यहाँ हर चीज़ है, पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ है। लाइक आप यहाँ पे आओगे तो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएगी, ये इतना ज़्यादा सुंदर जगह है। हम इतना देर तक फोटोग्राफी किए थे कि हम लोग को जाने में लेट हो गया, तो आप समझ सकते हैं कैसा ये जगह होगा। ये दो पहाड़ों के बीच से ये नदी बह रहा है जिसको अभी हम रास्ते की तरह यूज कर रहे हैं सोमेश्वर जाने के लिए। और ये कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ये तो आपको यहाँ पे आने का। ये जगह बस नवरात्र के टाइम पे ही ओपन होता है, फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। लाइक 10 दिन के लिए ओपन होगा, फिर आप इसमें घूमिए, माँ काली के दर्शन कीजिए, पूजा करिए, और फिर आप वापस अगले साल के लिए रेडी हो जाइए। ये सेकेंड बेस कैंप है और यहाँ के बाद से पहाड़ शुरू होता है, नदियाँ ख़त्म यहाँ से। बहुत ज़्यादा ऊपर अभी जाना है, शायद अंधेरा हो जाएगा ऊपर जाते जाते। अभी हम लोग आराम कर रहे हैं थोड़ा देर, और आधा से ज़्यादा ऊपर जाना है, आधा ज़्यादा है बढ़ जाना है, तो अंधेरा शायद हो जाएगा तब तक। लेकिन मज़ा आ रहा है, आए तो माजा लेते आए, वैसे हम लोग लेके आए हैं माजा। तो ये जो सामने वो थोड़ा ट्रिकी रास्ता है, लाइक कुछ ज़्यादा खड़ा चढ़ाई है। ये सीधा हम लोग का जो लास्ट पहाड़ है ना, जैसे तीन पार्ट में ये पहाड़ बटा हुआ है, हम लोग भी पहले पहाड़ में है, तो इसके आगे का जो रास्ता है वो उतना ज़्यादा अजीब टाइप का नहीं होगा, वो सीधा लास्ट पहाड़ में मिलेगा। काफ़ी बढ़िया ट्रैक है, अगर ट्रैकिंग आप कर रहे हैं तो कम पहाड़ आइए और ये ट्रैक करिए, मजा आएगा। हेलो, ये देखिए रास्ता, बस हर हर महादेव। शायद पहला पहाड़ खत्म होने वाला है, उसके बाद पहला पहाड़ बोल रहे हैं, पहला पहाड़ खत्म हो जाता है। जाइए नदी कर, रिकॉर्ड रिकॉर्ड अब हम लोग लगभग बराबर में आ गए हैं पहाड़ के, मतलब आँख से आँख मिला के बात कर सकते हैं, तो इतनी ऊंचाई पे हैं हम लोग अभी भी। तो यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, चना गुड़ मिल जाएगा,
जो भी चलते चलते थक गए हैं वो यहाँ पे हल्का रेस्ट कर सकते हैं और फिर आगे का अपना चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो पहला पहाड़ चढ़ने के बाद ये व्यू, ओहो हो, अभी इवनिंग का टाइम हो गया है। ये सभी लोग वापस आ रहे हैं पहाड़ से और हम लोग जा रहे हैं। मेरा भोला है भंडारी करे। इस पहाड़ का ये सबसे ऊंचा टॉप चोटी। ये ऐसा हम लोग एक पहाड़ पार करके वापस से नीचे जा रहे हैं और उसके बाद हम तीसरा पहाड़ के लिए चढ़ेंगे। यहाँ पे एक कुटिया है इसको हम दिखाते हैं आपको थोड़ा आगे जाने से। यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट टाइप लगा हुआ है। ये झरना, जिसका पानी साफ है आप पी सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे एक निश्चित ऊंचाई पे कैंप लगा हुआ है जहाँ पे भंडारा चलते रहता है। तो आप यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं आराम से, आराम कर सकते हैं जैसा हम लोग किए थे। लाइक यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा शाम हो गया था तो हम लोग सोचे कि आज यहीं पे रुक जाते हैं और फिर हम लोग अगले दिन चढ़ाई शुरू किए थे। इस जगह को भरथरी की कुटी कहा जाता है। ये मंदिर है यहाँ का, यहाँ पे हम लोग पूजा किए। लेकिन रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और साथ में पत्थर भी गिरने लगे थे तो इसके कारण मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो पूरी रात बहुत ठंड लगी पर मज़ा आया, इतना तो चलता ही है। जंगल में ऐसे आसमान के नीचे सोने का मौका बहुत कम मिलता है तो फुल इन्जॉयमेंट। यहाँ पे हमने डिनर किया और खुले आसमान के नीचे सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अब हम आपसे मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।